नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लूइड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द फ्लूइड मशीनरी। दिस इज द प्रॉब्लम्स ऑन यानी कि स्पेशली बेस्ड ऑन स्टेशनरी कर्व प्लेट। इससे पहले हमारे जो न्यूमेरिकल्स आपने देखे होंगे दैट वॉज वेरी हार्ड, दैट वॉज बेस्ड ऑन योर वेलोसिटी ट्राइंगल्स, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, और स्पेशली आपने ये टॉपिक देखा होगा सीरीज ऑफ रेडियल कर्व वेन्स का टॉपिक देखा होगा। तो उससे रिलेटेड हमने जो न्यूमेरिकल्स किए थे दैट वॉज वेरी हार्ड, तो हमने हार्ड पहले कर दिए हैं, बट हमारे थोड़े जो नॉर्मल हमारे न्यूमेरिकल्स से जो हमें स्टार्टिंग में करने चाहिए तो वो अब हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता रहूं। अब चलिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर के यानी कि इंपैक्ट ऑफ जेट्स के दूसरे भी टॉपिक्स मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, और साथ में फ्लड मैकेनिक्स में अगर किसी को प्रॉब्लम है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको अवेलेबल मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स जो भी प्रीवियसली आपके एग्जामिनेशन में आए हैं वो भी सारे आपको यानी कि न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। देन योर हीट ट्रांसफर के अगर न्यूमेरिकल्स हैं, हीट ट्रांसफर का कोई कंसेप्ट है, देन योर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, तो सारी चीजें वहां पे सॉल्व है। तो ज्यादा वेट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं, बट लेट मी गेट द पेपर, सॉल्व पेपर जो आज हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, ये बेस्ड है स्टेशनरी इंक्लाइंड प्लेट पे। साथ में हमें इस क्वेश्चन को अपनी नेटिव लैंग्वेज यानी कि हिंदी में समझेंगे, साथ में लिखेंगे गिवन डेटा, ओके, साथ में बनाएंगे इसका डायग्राम भी, तो क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाएगा। अगर आपको ये न्यूमेरिकल नहीं भी अटेम्प्ट कर पाते हैं, सपोज मेरा तो यही सुझाव है कि अगर आप न्यूमेरिकल कोई भी न्यूमेरिकल हो, ठीक है, ये 5 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, दिस इज फ्रॉम इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट्स, अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते एटलीस्ट यू राइट डाउन ए गिवन डेटा, 7 मिनट बनाएंगे डायग्राम, तो 5 मार्क्स का, तो एटलीस्ट यू विल गेट 1 to 2 मार्क्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ जेट ऑफ वाटर ऑफ डायमीटर 50 mm स्ट्राइक्स अ फिक्स्ड प्लेट इन सच अ वे, आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले वो बता रहा है कि जो डायमीटर है जेट का, डायमीटर ऑफ जेट कितना है, ये दिस इज कमिंग आउट टू बी 50 mm, कितना है 50 mm, ओके। तो मान लीजिए अब ये जो जेट है, यहां पे हम उसका डायग्राम भी बनाएंगे, दिस इज द पाइप, ठीक है, इसको लगा हुआ है हमारा नोजल। नोजल क्या काम करता है कि वो जो भी प्रेशर एनर्जी है वो कन्वर्ट कर देता है काइनेटिक एनर्जी में, मतलब यहां पे वेलोसिटी कम होगी, जैसे वो नोजल से जेट निकलेगा आपकी जो वेलोसिटी हो जाएगी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहां पे बता देते हैं कि जेट जिस वेलोसिटी से निकल रहा है, ठीक है, जेट जिस वेलोसिटी से निकल रहा है दैट इज वी, ओके, इसका डाया डी है, ओके, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ए है। क्रॉस सेक्शन एरिया वो एरिया होता है जो यूटिलाइज किया जाता है जेड द्वारा बहने के लिए, और ये किसको रिजेंबल करता है, किसको बताता है, दैट इज योर सर्कल को बताता है, ओके। अब आगे पढ़ते हैं, ये हमारा जो जेट है जिसका डाया 50 mm है, यहां पर लिख दिया मैंने, ठीक है, दिस इज, वो स्ट्राइक करता है फिक्स प्लेट को इन सच ए वे, बोल रहा है कि वो इस तरह से स्ट्राइक करता है कि जो एंगल है आपके प्लेट एंगल जो है इनके बीच में, किसके बीच में, प्लेट और जेट के बीच में, 30 डिग्री का है। मतलब मान लीजिए, तो कहने का मतलब ये जो क्वेश्चन है दिस इज बेस्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेट, तो ये इंक्लाइंड स्टेशनरी प्लेट है हमारी, ये मैंने इंक्लाइंड स्टेशनरी प्लेट बना देता हूं, ठीक है, इसको फिक्स भी कर देता हूं, हो गया क्लियर, ओके, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं सजा जरूर देता हूं ताकि लगनी भी चाहिए प्लेट है हमारी, ठीक है, रेड कलर में आपको बताऊंगा, दिस इज अवर प्लेट, दिस इज, आपको क्लियर होगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा, ओके, समझ में भी इजी आ जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो टकराने के बाद, ठीक है, ये कुछ एंगल से डेविएट हो जाएगा, ओके, क्लियर हो गया, ओके। और ये कितना एंगल बना रहा है, दिस एंगल इज हाउ मच, दिस इज 30 डिग्री, दे हैव गिवन, यानी कि प्लेट और आपके जेट के बीच में जो एंगल है दिस इज 30 डिग्री, क्लियर हो गया, ओके। हाँ, इस केस में ये आपकी जो प्लेट है वो स्टेशनरी है, अब बताया जा रहा है तो फोर्स एग्जर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, अब देखिए ये जो डायरेक्शन है आपकी कौन सी डायरेक्शन, दिस, ये कौन सी एक्स एक्सिस है, तो यहां पर होगी आपकी फोर्स एफ एक्स, और ये जो ऊपर वाली है वर्टिकल डायरेक्शन है दैट इज योर एफ वाई, क्लियर हो गया, ओके। तो जो फोर्स एग्जर्ट की जा रही है किस डायरेक्शन में, जेट के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका जेट ट्रेवल कर रहा है यानी कि एक्स डायरेक्शन में, वो कितनी है, वो ऑलरेडी दी हुई है, वी विल राइट Fx equal to कितनी दी है, दिस इज 1471.5 न्यूटन, ओके। डिटरमाइन द रेट ऑफ द फ्लो ऑफ वॉटर, क्या आपका जो जेट है वो क्या रेट से बह रहा है, तो दैट मीन्स हमें बताया गया कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, फ्लो रेट क्या फाइंड आउट कर रहा है, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क, डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर, मतलब साफ साफ पूछ रहा है कि फ्लो रेट क्या है, और आपको मालूम है फ्लो रेट की यूनिट क्या होती है, दिस इज मीटर क्यूब पर
सेकेंड या फिर लीटर पर मिनट भी हो सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा मतलब थोड़ी स्पेस खाली हो जाएगी, इसको मिटा देते हैं। लगभग हमने सारा डेटा लिख लिया है, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। अब आपको मालूम है फ्लो रेट अगर निकालना है तो बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन आप निकाल सकते हो, दैट इज क्यू इक्वल टू ए इंटू वी। क्या है? दिस इज क्यू इक्वल टू ए इंटू वी। तो अगर हमें क्यू चाहिए, दिस इज क्वेश्चन मार्क, तो आपको एरिया मालूम होना चाहिए। एरिया वो जेट आपका जब आगे ट्रेवल करता है तो वो यूटिलाइज करता है सर्कल के, जेट जब आगे ट्रेवल करता है तो वो मतलब वो ट्रैवल करता है इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का जो टॉप क्रॉस सेक्शन एरिया होता है वो सर्कल को रिजेंबल करता है। तो कहने का मतलब है मेरा वो वाला क्रॉस सेक्शन एरिया जो जेट यूज करता है चलने के लिए, तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? वो एक सर्कल को बताता है। सपोज ये भी एक तरह का जेट ही है ना, जेट ही सपोज आपकी तरफ आ रहा है, तो ये किसको रिजेंबल कर रही है? एक सर्कल को रिजेंबल करता है। यही क्रॉस सेक्शन एरिया का वो यूज करके आगे बढ़ता है, ठीक है। तो एरिया क्या होगा सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो एरिया क्या, अब सर्कल का एरिया क्या होगा वही निकालना है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। मेरा सब जस्ट इतना ही कहने का मतलब था कि जेट जब आगे ट्रैवल करता है तो वो कौन सी शेप को यूज करता है बहने के लिए, मतलब वो वाला एरिया जिसका यूटिलाइजेशन जेट द्वारा किया जाता है बहने के लिए, तो वो होता है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया। और यहां पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो सर्कल को रिजेंबल करता है, सर्कल को बताता है। सर्कल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है? पाई डी स्क्वायर बाय फोर। ओके, तो अगर आप बात करेंगे दिस इज एरिया इज पाई। ओके, डायमीटर क्या है? अब याद रखिएगा इससे पहले कि हम ये सारी वैल्यूज को किसी भी फॉर्मूले या कैलकुलेशन में यूज करें, हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारी जो ये क्या बोलते हैं गिवन डेटा है ये एसआई यूनिट में होना चाहिए। तो डायमीटर क्या है? 50 mm है, mm है, तो mm में ना होके मीटर में चाहिए। तो mm को अगर मीटर में लाना है तो हम क्या करेंगे, mm को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप इसे 1000 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा? दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.05 meter। क्लियर हो गया? हो गया हमारा मीटर में mm से। तो ये हो जाएगा दिस इज 0.05 ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है डिवाइड बाय 4। ओके, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी ये कितना आ रहा है 1.9635 × 10⁻³। यूनिट देख लिए, पाई की कोई यूनिट नहीं है। अब 0.05 की यूनिट क्या थी? मीटर, ऊपर स्क्वायर लग गया तो दैट विल बी मीटर स्क्वायर। 4 की कोई यूनिट नहीं होती, तो ये हो गया हमारा एरिया यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया। तो दिस इज विल राइट क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू दिस 1.9635 × 10⁻³ हो गया ये। चलिए क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया। अब प्रॉब्लम आती है वेलोसिटी की, क्योंकि जब तक वेलोसिटी नहीं मिलेगी तो हमारा ये फ्लो रेट नहीं निकल पाएगा। तो अब ये वेलोसिटी कैसे निकाली जाए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे कि हमें फोर्स पहले से दे दी गई है, ठीक है। अब ये फोर्स जो है, दिस इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड इन द एक्स डायरेक्शन बाय द जेट ऑन द प्लेट, यानी कि जो फोर्स है ये दी गई है जेट द्वारा प्लेट के ऊपर मगर एक्स डायरेक्शन में। तो ये जो फोर्स होती है, ठीक है, इस केस में हमारे पास दो टाइप की फोर्सेस होती है। एक होती है नॉर्मल, समझ रहे हैं, ये जो हमारी इंक्लाइंड प्लेट है ना ये जो, ठीक है, जेट तो आपका इस ऐसे डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, मगर एक फोर्स होती है हमारी जो नॉर्मल डायरेक्शन में होती है, दैट इज एफ एन। तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसके बारे में बात नहीं हो रही है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स थी उस डायरेक्शन में बात हो रही है, ठीक है। एक होती है ऊपर भी फोर्स एक्सर्ट की जाती है एफ वाई, तो ना ही एफ वाई बोला गया है ना ही नॉर्मल डायरेक्शन में, हमें जिस डायरेक्शन में जेट ट्रैवल कर रहा है उस डायरेक्शन में वो फोर्स है वो दी हुई है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज एफ एक्स इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। लेट मी चेक ये, या आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए इस पर ज्यादा वेट ना देर ना करते हम वेलोसिटी निकाल लेंगे अभी जल्दी से। सो एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज हाउ मच, सबसे पहले काम करेंगे वेलोसिटी चाहिए तो वी स्क्वायर यहां पर है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला तैयार कर लेते हैं। fx तो ये रो नीचे आएगा, a नीचे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा भी नीचे आएगा, तो दिस इज योर वी स्क्वायर। ओके, तो v की वैल्यू चाहिए तो दैट मीन्स ये रूट में आ जाएगा पूरा का पूरा, fx अपॉन रो a साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया? ओके, देयरफॉर v इक्वल टू, तो fx क्या है, fx इज हाउ मच 1471.5 डिवाइड बाय रो, रो कितना है 1000, ओके, इनटू एरिया, एरिया ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया, दिस इज 1.9635 × 10⁻³। ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा चाहिए ना, तो साइन थीटा क्या 30 है, तो यहां पर एक काम कीजिए साइन 30 लिखिए और ये जो स्क्वायर है ये ऊपर डाल दीजिए। तो अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है ये, दिस इज 54.75 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? ओके, अब ये मीटर पर सेकेंड आया कैसे ये भी देख लीजिए। अब आप देखिए वेलोसिटी, ठीक है,
अब जैसे जैसे ये फॉर्मूला है वैसे वैसे मैं इसकी यूनिट लिखूंगा, जैसे जैसे ये फॉर्मूला है वैसे वैसे आपने इसकी वैल्यूज पुट की थी, अब इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं यूनिट भी पुट करूंगा। एफएक्स, एफएक्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। मगर न्यूटन कटेगा नहीं, तो एक काम करूंगा मैं, न्यूटन को हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? ओके, देन नीचे क्या है आपका रो, रो की यूनिट क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है? ये पूरा रूट है इनटू, यहां पे क्या है, ए, ए क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया, ये मीटर स्क्वायर में होता है। साइन स्क्वायर थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, क्लियर हो गया? तो इसके नीचे मीटर स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है, तो वन है, तो ये इनटू को मिटा देता हूं। अब आपको मालूम है ये पलट के ऊपर आ जाएगा, क्या क्या उल्टा होके, मतलब ये पलट के सामने आ जाएगा, ठीक है? कौन? मीटर क्यूब जो नीचे है वो पलट के ऊपर आ जाएगा, केजी नीचे आ जाएगा, वन ऊपर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर क्यूब, या पलट के केजी पर मीटर क्यूब है तो मीटर क्यूब ऊपर आ जाएगा, केजी नीचे आ जाएगा, ओके, इनटू वन ऊपर आ जाएगा, मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा। तो ये रूट तो बना ही रहेगा, ओके। अब काट लीजिए, केजी केजी कैंसिल हो गया, देन योर, अब आपका क्या रह गया है? देखिए इस मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, लिख दिया। तो देखिए मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर, तो नीचे मीटर स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या रह गया फिर? अब क्या रह गया अंदर? मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, हो गया क्लियर? तो दिस इज मीटर स्क्वायर। अभी दोनों में स्क्वायर है, तो एक काम करते कॉमन दे देता हूं, रूट मतलब होता है हाफ, तो ये टू टू कैंसिल, तो क्या आ गया यूनिट? मीटर पर सेकेंड। तो हो गई हमारी क्या वेलोसिटी, दिस इज मीटर पर सेकेंड, इसी वजह से मैंने लिखा है। तो ये आ गया। अब यहां पे अगर आप पुट करेंगे क्यू इक्वल टू एरिया, एरिया तो ऑलरेडी दिया हुआ था 1.9635 इंटू 10^-3, ओके, वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी आप निकाल चुके, दिस इज 54.75। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी कितना आ रहा है, दिस इज 0.10750। अब बारी है यूनिट की, तो देखिए एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया? दिस इज मीटर क्यूब पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब, सो दैट विल बी मीटर क्यूब पर सेकेंड, क्लियर हो गया? ये मीटर क्यूब पर सेकेंड हो गया ये, ओके। अगर आप इस मीटर क्यूब पर सेकेंड को लीटर पर सेकेंड में लेके आना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, मीटर क्यूब को 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो वो लीटर में आ जाएगा। सो देयरफॉर अगर आप 0.10750 यानी कि मीटर क्यूब को लीटर में लेके आना चाहते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके, तो दैट विल बी लीटर पर सेकेंड। सो देयरफॉर क्यू इक्वल टू योर 107.5 लीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशन वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट कमेंट, मैं पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।